अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आप सबको जी मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी ईद बड़ी अच्छी गुजरी होगी। तो चलिए जी, हम लोग भी जो ईद की तैयारी कर रहे हैं वो व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखिए, अपनी बेटी का जो सूट है ना, वो मैंने सी लिया, और अब मैं इस्त्री करके तो उसको बच्चों के कपड़े शपड़े और अपने ना मैं अब रेडी कर रही हूँ। ये ईद से एक दिन पहले का व्लॉग है, और मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ड्रेस और जो मैंने अपनी बेटी का ड्रेस सिया है वो कैसा लगा है। तो मुझे तो जो अपना जो बेटी का मैंने ड्रेस सिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और स्टिचिंग का मैंने आपको बताया था ना, मुझे अच्छा लगता है सीना। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मैं ये स्टिचिंग करके और मेरी स्टिचिंग आपको कैसी लगी। और ये देखिए गला मैंने कितना अच्छा बनाया, मुझे बहुत पसंद आया जो मैंने ये सिलाई किया ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये ड्रेस है और ये इसके साथ दुपट्टा है। ये आजकल के वो जो जैकॉट जैकॉट के नहीं चले हुए, ये वो वाला स्टफ लोन है और वो उसके ऊपर बना हुआ है। और ये माशाल्लाह से मेरे बेटे का सूट है, ये भी मैं पाकिस्तान से ही बनवा कर लेकर आई थी। तो बड़ा बेटे बड़े बेटे का भी है और छोटे का भी है, दोनों ने एक जैसे पहने हैं। और अब जनाब चांद रात की तैयारी, जो कि वही होता है, चांद रात को ही कोई मीठा शीठा बना लिया जाता है। तो मैंने गाजर का हलवा ऊपर रखा हुआ था, 2 किलो हाफ ना आधा किलो मेरे पास गाजरें थी, तो मैंने उसके अंदर दूध इतना डाला कि बस गाजरें उसके अंदर ना बस डिप हो जाएंगी, ज़्यादा नहीं डाला। और 5-6 उसमें इलायचियाँ डाल दी हैं, और हाफ कप के करीब उसमें मैंने देसी घी डाला है। तो अब ये पक पक के तो सारा, और साथ में चीनी भी डाल दी थी, चीनी तो आप लोग अपनी पसंद के मुताबिक ही डालेंगे। पक पक के इतना हो चुका है, और अब इसमें से मैं ये जो इलायचियाँ ना ये मैं निकाल लूँगी, क्योंकि इलायचियाँ जब अंदर रह गई ना तो फिर बस ये सारी मेहनत ज़ाया जानी है। फिर सब ने कहना, हाय हाय इलायची मुँह में आ गई है, क्या करती हैं आप मामा, क्या करती हैं आप, सारा मेरा जायका मुँह के ख़राब हो गया। तो बा इस तरह फिर बच्चे बाद में करते। फिर मैंने जनाब उसके ऊपर डाल दिया जी खोया। खोया भी मैंने घर में बनाया था, तो उसकी मैं रेसिपी आपको बाद में दूंगी। अब फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, पहले ही मैंने ये जो व्लॉग है ना बड़ा एडिट कर करके तो आपके लिए ना उसको शॉर्ट किया कि आपको ज़्यादा टाइम ना मैं आपका लूँ। तो चलें जी, अब यहाँ चांद रात की जो और एक और स्पेशलिटी होती है मेहंदी लगाना, जो कि मतलब ज़ाहरा औरतों का बच्चियों का एक एक बड़ा ही ख़ास शौक होता है। मुझे तो अब खैर इतना शौक़ नहीं, मगर अब मेरी बेटी को लगाने का शौक़ है, तो बस वो एज ए मॉडल अब मुझे ना उसके सामने मुझे रखना पड़ता है। तो मुझे अब मेहंदी ना बड़ी अजीब सी लगती है। तो चलें जी, मेहंदी उसने मुझे लगाई, और अब ये ईद डे है, और ईद वाले दिन मैं बना रही हूँ अब सेवियाँ। पहले मैंने ब्रेड ओवन में रख दिया गर्म होने के लिए, ब्रेड से हम ऑमलेट और सैंडविच बना लेंगे, और सेवियाँ ये मैं सेवियाँ बॉयल कर रही हूँ। मेरे घर में दूध वाली सेवियाँ नहीं खाते बच्चे भी और इनके पापा भी, ये लोग दही और शक्कर के साथ इस तरह सेवियों को ना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सेवियाँ भी मेरी पाकिस्तान की ही सेवियाँ हैं, और शक्कर सेवियाँ मैं पाकिस्तान से ही मंगवा भी लेती होती हूँ, जब कभी जाते हैं तो ले भी आते हैं। तो सेवियों को थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल दिया था उसमें, और ताकि वह साथ जुड़े ना, और बस 2-4 मिनट के लिए ना उनको आपने बॉईल करना होता है, देख लें कि जब वो गल जाएं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये सेव मुख्तलिफ इनकी जो किस्म है ना उन पर डिपेंड करता है, कुछ सेवियाँ ज़्यादा टाइम लेती हैं और कुछ कम टाइम लेती हैं। और उसके बाद मैंने रात को ही ये मक्खन से देसी घी भी बनाया था, और अब ना उसी पैन को आप साफ़ करके थोड़ा सा हल्का सा खुशक करके उसके अंदर थोड़ा सा घी मैंने पहले नीचे डाला है, और थोड़ा सा अब इसके ऊपर डाल के ना अच्छी तरह सेवियों को हम घी के अंदर उसको मतलब घी मिक्स हो जाए उनके अंदर, तो एक तो सेवियाँ आपस में जुड़ती नहीं, और दूसरा घी का जो ना बड़ा अच्छा सा फ्लेवर उसके अंदर आ जाता है। तो वो सेवियाँ चलो जी मेरी तैयार हो गई। अब इसके अब मैंने बना लिया है ऑमलेट, तो ऑमलेट और ब्रेड और ऑमलेट बना लेंगे। तो चलिए जी, ये मेरा ईद डे का जो ब्रेकफास्ट है ना वो रेडी हो गया है, और ये देखिए कितनी अच्छी मेरी निखरी निखरी सी सेवियाँ बनी हैं। नहीं तो बाज़ औक़ात ना
सेवियाँ बिल्कुल बहुत गल जाती हैं, इनका बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल इनके ऊपर खड़े होकर बस थोड़ा सा इनको पकाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो उसके साथ था योगर्ट था, उसके साथ शक्कर थी, और ये ब्रेड है, और ये अब चीज़ चीज़ का मतलब स्लाइस स्लाइस है। बाज़ुकात बच्चे इस तरह चीज़ स्लाइस भी रख के ब्रेड में खा लेते हैं, और अंडे के साथ भी बाज़ुकात रख लेते हैं, दोनों चीज़ें रख लेते हैं। तो चलो जी, मैंने मैंने सोचा मैं अब इसको दिखा भी दूँ ना कि इस तरह इसको खाते कैसे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को नहीं पता कि बॉयल की हुई सेवियाँ और दही ना मतलब कैसे खाते हैं, या क्या नहीं लोगों ने खाए होते, मगर ज़्यादातर लोगों को दूध वाली सेवियाँ और या जो शेर खरमा होता है ना, वही पता है उसी चीज़ का। तो जो ना अब हम पंजाबी लोग हैं, लाहौरी लोग हैं, तो हम ऐसे ही खाते हैं। तो चलो जी, ये देखें जी, ईद अब मनाई जा रही है, वो नाश्ता नुश्ता करके बच्चे, मैंने बच्चों की आज स्कूल से छुट्टी करवाई थी, मैंने कहा भाई ईद है, अपना दिन दिहाड़ा है, बच्चों को पता तो होना चाहिए ना। तो वो नाश्ता नुश्ता करके ना तो वो सो गया, क्योंकि सुबह उठे थे यहाँ 6:30 तकरीबन ईद की नमाज़ हुई थी, तो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, इसलिए ना अब आके तो बच्चे सो गए हैं। तो मैं अब जनाब दोपहर के खाने की तैयारी है, तो खाने पे तो कुछ थोड़े मेहमानों ने आना था, इसलिए खाने की तैयारी, उसके बाद फिर हम लोगों ने बाहर जाना है। तो चलें आपके साथ वो भी आपको फिर दिखाऊंगी, शेयर करूंगी आपके साथ। तो खाने की तैयारी कर रही थी, ऊपर मैंने गोश्त वगैरह रख लिया हुआ है, और अब बच्चों को इड्डी देने की बारी है। तो ये बच्चों के कज़न की तरफ से बच्चों को इड्डी मिली है, वो मैं अब उनको दे रही हूँ। तो ईदी ही होती है, ईद पे मतलब एक ईदी ही होती है, जो कि बच्चों को बड़ा शौक होता है इस चीज़ का, बच्चे इंतज़ार करते हैं भाई ईदी मिले। तो चले जी, थैंक यू हुमायूं भाई को, हुमायूं भाई का थैंक यू, उसने बच्चों को ईदी भेजी है, बाकी भी सबका थैंक यू जिस जिसने ईदी भेजी है। तो जी ये देखें, मेरा अपना दोपहर का खाना जो है वो रेडी हो चुका है, बाकी मैं वीडियो जल्दी जल्दी में फिर वीडियो में बनानी ही भूल गई। तो चलें खाने की आपको फाइनल लुक दिखा रही हूँ, और इसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब खाना शाना खाया, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर घूमने फिरने के लिए गए हैं। तो जो बाहर घूमने फिरने का व्लॉग है ना, मैं वो आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो चलिए जी, बस इतना आज का मेरा व्लॉग था, छोटा सा, मैंने कहा बहुत लंबा भी नहीं ना होना चाहिए, आप लोगों का टाइम इतना ज़्यादा, आप इतने कीमती टाइम से थोड़ा सा टाइम फिर मेरे लिए निकालते हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तो इसलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़।